हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। नए नए तरीके, नए इनोवेटिव आइडियाज़। आप सोच रहे हैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, ये इसको लपेट रहा हूँ। नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आप लोग के लिए लेके आता हूँ। खाली हूँ आजकल, आप लोग भी होंगे, बार बार बोलता हूँ वही चीज़। तो सोचा करता हूँ कि क्या नई चीज़ बताऊँ, किस तरीके से। कई बार आप लोग उस कॉन्सेप्ट को जानते भी हैं, बट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है। मेरा काम क्या है कि जो चीज़ आप समझें उसका पूरी तरीके समझें। कितनी पूरी तरीके? जितनी पूरी तरीके मैं समझता हूँ। मल्टी लेयर फार्मिंग नाम बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग बात करते हैं, प्रैक्टिकली लोगों को नहीं मालूम कि कैसे वाकई फ़ायदेमंद है, कैसे ये कम स्पेस पे ज़्यादा आप प्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये एक लैडर सिस्टम है, सीढ़ी नुमा। इसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, प्लेटफॉर्म्स हैं। और आप देख रहे हैं ये दो पॉट रखे हैं, ये दो पॉट, ये दो पॉट, ये दो पॉट, टोटल 8 पॉट्स हो गए, गमले 8 गमले हो गए। ठीक, ये कुछ खाली रखे हैं, ये केवल डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ से हैं, इसको लेके कुछ ना सोचिएगा। ठीक, अब इसमें किया किस तरीके से जाता है आप देख रहे होंगे, स्लैंटिंग है। स्लैंटिंग मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, इंक्लाइंड। ठीक है, तो अब इसकी डिग्री अलग अलग उस पर होती है। आप इसको 75 डिग्री के एंगल पर रख सकते हैं। डिग्री यहाँ से कैलकुलेट की जाती है फ्रेंड, अगर ऐसे करके इसको बेस मान ले तो ये जो एंगल बन रहा है ये 75 डिग्री पे ठीक रहता है, टिके रहते हैं ये। ठीक, आप थोड़ा सा और करना चाहते हैं तो आप इसको अप टू 60 डिग्री तक भी ले जा सकते हैं। अब फ़ायदा क्या हो रहा है वो बता दूं आपको। पहले उससे एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप हाइड्रोपोनिक्स एज वेल एज सॉइल दोनों मीडियम में इस तरीके से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक, स्पेस कैसे बचाता है, नाप लूँ इसे। वैसे हिंदी में इसको हम लोग यहाँ पे इंची टेप बोलते हैं, पुराने समय में मम्मी मेरी बोलती थी। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझको नहीं मालूम है, क्या बोलते हैं? मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप, ठीक है, हमारे कैमरामैन साहब बता रहे हैं मेजरिंग टेप बोलते हैं इसको। चलिए नाप लेते हैं इसको। ये देखिए लेंथ, ब्रेड्थ इसको कुछ भी मान लीजिए, 18 आ रही है एंड दिस इज आल्सो 18। 344 होता है शायद, 324 होता है, तो मतलब 324 स्क्वायर इंचेस। अब फ्रेंड, अगर हम इन गमलों को, इन पॉट्स को उठा के इस एरिया में रखने की कोशिश करें तो क्या आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आ गए तो फिर मल्टी लेयर फार्मिंग का कोई फायदा ही नहीं है। तो पहले दिखा दूं फिर आपको बेनिफिट्स बताता हूं इसके क्या होते हैं। ठीक है, ये रख दिया, ये रख दिया, ये एक और रख दिया, फिर ये रख दिया, और ये रख दिया। बड़ा वाला तो आएगा नहीं इसमें, छोटा ही वाला आ पाएगा। ठीक, इसके बावजूद ये देखिए पूरा भर गया। ठीक, इसके बावजूद दो बड़े वाले आपके बच गए, ये दो बचे हुए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता, यहाँ कितने प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4, अगर ये 6 का होता, यहाँ पे भी अगर प्लेटफॉर्म बने होते, ये देख लीजिए यहाँ दो प्लेटफॉर्म और बने होते तो आपके कितने पार्ट आ जाते। तो आप समझ रहे होंगे कम से कम डबल से ज़्यादा इसमें रखने की गुंजाइश है। और फिर इस स्पेस को मत भूलें, ये जो स्पेस यहाँ है, यहाँ पे भी तो प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते थे, यहाँ पे भी आ जाता। अब बेनिफिट क्या होते हैं,
ये स्पेशल स्लैंटिंग डिज़ाइन क्यों ली जाती है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, रख देते हैं पहले इसको। ये यहाँ रख दिया, फ्रेंड थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है तो उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं आखिरी तक तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए अब यहाँ देख लीजिए, सनलाइट आपकी आती कहाँ से, ऐसे करके आती है, ठीक है। जब भी आप अपना ये कोई भी मल्टीलेयर सिस्टम रखें तो उसका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट ही होना चाहिए, नॉर्थ साउथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सन है वो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से जाता है और इस तरीके से रोटेट होता है ऐसे करके, ठीक। अगर इधर ईस्ट है तो ऐसे रोटेट हो रहा है, इधर वेस्ट हो गया तो आपके इसको लाइट पड़ती रहेगी। तो अगर इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो मेरे ये दो चीज़ें इधर होनी चाहिए, मतलब इसको ऐसे घुमा देना है आपको, ठीक है, ऐसे करके घुमा देना है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर आप घुमा देंगे तो सन इसी के सामने से ऐसे करके जाएगा, ठीक। और जब ऊपर की तरफ, जब ऊपर से चलता है समर के सीजन में, तो आपके सारे प्लांट को देखिए दिख रहा है, अगर आप ऊपर की तरफ से ऐसे देखेंगे तो सारे प्लांट आपको दिखेंगे ऊपर से, ये देख लीजिए सारे प्लांट दिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पूरी प्रॉपर सनलाइट इनको मिलेगी, ये बेनिफिट है मल्टीलेयर फार्मिंग का, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, भविष्य में इसी तरीके से ग्रो किए जाएंगे, श्रिंक होती जा रही है, जितनी एग्रीकल्चर लैंड है या कोई भी लैंड है वो श्रिंक होती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, कॉमर्शलाइजेशन होता जा रहा है, फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, लोगों को रहना है वहाँ पर, तो फिर खेती कहाँ होगी, कैसे आप ग्रो करेंगे। तो आपको अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर मल्टीलेयर फार्मिंग, अदरवाइज संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ड्रिप सिस्टम से एक ड्रिप चला दी जाती है, ड्रिप सिस्टम से आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। अगर आपने हाइड्रोपोनिकली ग्रो किया हुआ है तो आपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ड्रिप सिस्टम से दे सकते हैं। अगर आप सॉइल सिस्टम से जा रहे हैं, मतलब सबस्ट्रेट जो है इसका, जो मीडियम है जिसमें प्लांट ग्रो किए जा रहे हैं वो अगर आपके बेस्ड है तो आप इसमें नॉर्मल वाटरिंग थ्रू ड्रिप सिस्टम करें। ड्रिप सिस्टम से करने में क्या फ़ायदा होता है कि आपके प्लांट में, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और पानी साथ साथ मिलता है, पानी से बहुत ज़्यादा भर नहीं जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, रूट रॉट होने की समस्या आने लगती है सॉइल सिस्टम में। तो ड्रिप सिस्टम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मैनेज करना में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चरल आपका एक्सपेंस आएगा, आप इसको परमानेंट नेचर का बना सकते हैं इस तरीके से, या मूवेबल आप इस तरीके के लैडर सिस्टम बनवा लीजिए, उनमें आप चीज़ों को रख के कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो फार्मिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी, और जब आप करेंगे तो आपको नए नए तरीके और दिमाग में आएंगे। इनोवेटिव होना किसी की जागीर नहीं है, ये समझिए, और उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे मैंने इलिटरेट पर्सन भी देखे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादातर तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं होते। आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएँ दे दी तो कुछ पढ़ लिख भी लेते हैं अब तो, लेकिन पुराने आप देखेंगे वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी आप कुछ करवा रहे होते हैं तो कई बार वो 10 बातें बोलेंगे, 9 बातें हो सकता है आपके किसी लायक ना हो, लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी बोल रहे होते हैं, तो वो लगता है कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और यहाँ टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कम 3 गुने तक आप इसको ले जाने की क्षमता रहती है प्लांट्स को,
तो फ्रेंड्स फिर वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो हाइड्रोपोनिक्स और सॉइल बेस्ड दोनों के लिए है। तो और अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।